कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की ओर से जलियांवाला बाग के नरसंहार के 100 साल पूरे होने पर अमृतसर स्थित श्री दरबार साहिब में नतमस्तक होने पर अकाली दल की ओर से 1984 के सिख विरोधी दंगों का जिक्र किए जाने पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए लुधियाना से सांसद और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रवनीत सिंह बिट्टू ने अकाली दल को उनके 10 सालों के शासनकाल में राज्य में हुई बेअदबियों की याद दिलाई है। इस दौरान उन्होंने अकालियों पर केंद्र में मोदी सरकार की शह पर बेअदबी के मामलों की जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों का तबादला करवाने का आरोप भी लगाया। बिट्टू द्वारा लुधियाना में अपने चुनावी कार्यालय की शुरुआत की गई। इस दौरान विरोधियों की ओर से बीते 5 सालों में शहर में उनका कोई भी कार्यालय न होने संबंधी उठाए सवालों पर बिट्टू ने कहा कि अकालियों के पास उनके मुकाबले कोई उम्मीदवार नहीं है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में बिट्टू के चुनावी कार्यालय में कोई भी एसी या पंखा काम ना काम करने के चलते पहुंचे लोग बेहाल दिखाई दिए। खासतौर पर सांसद की ओर से सभी धर्मों की प्रार्थनाएं करवाई गई थी और आज अष्टमी के होने के चलते कंजक पूजन किया गया। काली दल वाले गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी किसने की है जवाब इन्हां कोल? गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करने वाले जो गुरु से गुरु के अंग गली गली में इनकी वजह से वो हर जगह उनको अंगों को पाड़ के फेंका गया, ये बात करेंगे? ये गुरु की बात करेंगे? ये बताएंगे राहुल गांधी को और कांग्रेस को क्या करना है? जो अभी अभी जब विजय कुमार प्रताप जो इनके गले के पास पहुंचने लगा था तो इलेक्शन कमीशन से मोदी से मदद मांग के उनको जो चेंज करवा दिया, ये बात करेंगे गुरु की? 11 बजे वो तो जब भी आते हैं अमृतसर, जब भी वो गए हैं वो दरबार साहब माथा टेक के ही वापस गए हैं, वो कभी दरबार साहब माथा टेकने के बगैर नहीं गए। पहली बार गए कौन कह रहा है? मेरे ख्याल को ये ज्ञान ही किसी को नहीं है। जब उन्हें तो कहना कि अभी जद भी अमृतसर आए आ, जदों भी अमृतसर आए आ, दरबार साहब मथा टेक के राहुल गांधी गया आ, इन्हां नूं वध वड्डे सिख ने, इन्हां नूं ओ सिखी नूं मनदे भी ने ते सिखी नूं गल जिहड़ा गुरुआं ने रास्ता दिखाया उन्हूं उस ते चलदे भी ने। इह ओह ने जिहड़े गुरुआं दे नां ते वोटां लै के गुरु ग्रंथ साहब दी जिन्हां ने बेअदबी कीती। गुरु सिखाउंदा, गुरु नशे के खिलाफ लिखता है, इन्होंने चिट्टा बंड बंड गुरु की जी गल नकारिया, तो वो लोग ने रेता चोर ये गल्ला करनगे राहुल गांधी ने बराबर दियाँ। इस करके दूजी गल जिन्हें करके जिन्हें हुक्मनामे जारी करते जिन्हें करके जेडे सिखा इन्होंने बलूंदरिया गोलियां चलवाइया जिन्होंने सिख मारे बरगाड़ी च बैबल कल च, ये दसणगे सिखी बारे? लोग तो तीजे नंबर से ही छिटे इन्हों कांग्रेस पार्टी की सरकार राहुल गांधी ने लिया, इस बार भी यह तीजे नंबर से जाएंगे। वो जी सद के विरोध कर कैंडिडेट तो लभदा नहीं, उन्होंने विरोध कि करे देखो अज हर पार्टी अपना अपना दफ्तर खोलती है, असी तो एक सादे तरीके एक बहुत सादे तरीके नाल सारे धर्मां दा आशीर्वाद लैके सिर्फ असी सीनियर लीडरशिप जिहड़ी ओह इकट्ठे हो के अज दफ्तर दा उद्घाटन आ जिहड़ा बड़ा ही सिंपल तरीके नाल उद्घाटन करन लगे हाँ, क्योंकि ये सड़कां ये राह ने ब्लॉक ना होण ते ये दफ्तर दी बड़ी शांति बई ढंग नाल असी जिहड़ा कह रही थी बिट्टू जी दफ्तर खोल लेते हैं उसके बाद बंद कर देते हैं, जो आपने वोट पे जो गवर्नमेंट लिखी है वो एक भी गलत नहीं। चलो गल आ अकाली दल का बेचारा कह की सकता, मैं तो उन्होंने कहना भी तुम्हें तो बोर्ड ला दो अपने, तुम 10 साल की रंग लाया, चिट्टा बेचिया, रेता बेचिया, बसा पाइया, वो तो ला दो, वो क्यों नहीं लाते तो लाओ तो वो बसा वो मैं उन्होंने कहना भी जी ऑर्बिट दसा ना टिकट मिल जाना सगा रणजीत ढिल्लों, जे ये बसा की इतों ऑर्बिट बसा दे धूफ कर दिता ना बादल दसा का शायद टिकट मिल भी जाता।